बिसमीम्समैकम वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ इफ्ती कैटल फॉर्म पे और मेरे साथ इफ्ती कैटल फॉर्म के ओनर मौजूद हैं मोहम्मद अलीम्दीन और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये ऑफर मैं समझता हूँ बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है इससे पहले मैंने मुख्तफ़ ऑफर्स अपने चैनल के ऊपर दिखाई हैं किसी कैटल फॉर्म ने जो है फिफ्टी परसेंट पलाई सर्विस जो है फर्स्ट मंथ के लिए ऑफ दी है तो किसी ने जो है वो आठ हज़ार रुपये की जो है वो पलाई सर्विस स्टार्ट करी है और किसी ने जो है वो चौदह हज़ार पंद्रह हज़ार हर किस्म की कोशिश ये रही मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी हैश टैग शॉक सब के लिए उसमें मेरी कोशिश ये रही कि जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास तबका है और वो अपना जानवर बकराई से पहले पलवा के अपना शौक़ पूरा करना चाहता है और एक होता है ना माइंड सेटिस्फैक्शन हो जाती है आपका जानवर पहले से पल रहा है आपको जो है वो किसी किस्म की ख्वार नहीं उठानी मंडी जाके और आड़ा टेढ़ा जानवर बीमार जानवर नहीं खरीदना एक सेहतमंद जानवर फॉर्म का वैक्सीनेटेड वो ख़रीदना है उस सीनैरियो में मैंने कोशिश करी कि मैं जितना भी कर सकता हूँ नए फार्मर्स को भी जो है वो उनको भी प्रोमोट किया जाए और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी जो है ना एक उनके लिए स्कीम निकाल के लाई जाए आज की स्कीम बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है आज इफ्ती कैटर फॉर्म की तरफ से आपको ऑफ़र किया जा रहा है एक महीने की फ्री पलाई सर्विस और यहाँ पे जो प्राइस रेंज है जानवरों की तकरीबन पाँच छः बछड़े इस वक्त इनके पास मौजूद हैं फॉर सेल के वो भी इनसे अभी मालूम करेंगे कि उनकी क्या प्राइस रेंज है कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं लेकिन इन बहुत मुनासिब कीमत में इन ख़रीद भी सकते हैं बाहर से ख़रीद के अपना माल यहाँ पे पलवा भी सकते हैं अब लेकिन फ्री पलाई सर्विस की कुछ कंडीशन हैं उसको जानने के लिए आप प्लीज़ वीडियो एंड तक देखते रहिएगा वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो का मैं टारगेट लाइक्स का रख रहा हूँ थ्री थाउजेंड लाइक्स का एंड आई होप कि आप लोग इसको जल्दी पूरा भी कर देंगे वीडियो प्लीज़ एंड तक देखते रहें अलीम भाई कैसे हैं हैंजमल भाई आप खरीत से मैं ठीक हूँ करम है अलीम भाई ये बताइए सबसे पहले तो कि आपका शौक स्टार्ट कैसे हुआ मुजमिल भाई ये शौक़ तो मुझे माशाल्लाह बचपन से था कुर्बानी के जानवरों का और स्पेशली मुझे बछड़ों का ही शौक़ रहा है बछिया भी नहीं बकरे भी नहीं बछड़ों का ही शौक़ मुझे डे वन से रहा है और जब मैं अपना बैचलर्स कर रहा था तो उस वक्त मैंने बैक इन 2016 मैंने एक इंटर्नशिप वेंचर किया था यही कुर्बानी के जानवर में लाया था तैयार किए थे और कुर्बानी के सीज़न में मैंने फ़रोख्त किए थे तो अलहमदिल्ला उस वक्त एज़ अ बिज़नेस भी जो है इसने मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया था जिसने मेरे शौक़ को जो है और चार चांद लगा दिए तो तो आफ्टर माई बैचलर्स और मास्टर्स फिर मैंने मास्टर्स भी किया एम बी ए भी किया मैं बाई प्रोफेशन सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूँ तो उसके बाद जो है मैंने तीन साल जॉब भी की बट देन अगेन मुझे नई दिल लग रहा था मेरा शौक डे वन से डेरी फार्मिंग का ही था और ये कैटल फार्मिंग का था तो मैंने जो है अभी रिसेंटली इट्स बिन लाइक टू और थ्री मंथ्स मैंने जो है ये काम अलहमदिल्ला स्टार्ट किया है ये मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह से अच्छे खासे है एजुकेटेड हैं तो ये बताएं कि आप फिर इस तरफ क्यों आए क्या विज़न था जो आपने इस शौक़ को स्टार्ट किया और किस विज़न को लेके इस वक्त आप चल रहे हैं सर विज़न यही था कि जिस तरह के आपका माशाल्लाह हैश टैग शौक़ सब के लिए इस तरह मेरा भी एक बचपन से बड़े होते हुए शौक़ था कि यार मेरा जानवर जो है मैं पालूँ कुर्बानी पे मंडी में जाना जो है हर किसी का शौक होता है बिल्कुल मंडी बिल्कुल। मंडी जाना भी एक उसकी अपनी फैसिनेशन है मधन ग आपका अपना जानवर हो जो सला साल पल रहा हो हाँ। तो उसका एक चार अलग है मज़ा अलग है तो मैंने उसी चीज को लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और जो आजकल ऑन गोइंग चल रही हैं क्योंकि अभी पता नहीं कि इस ईद पे क्या एस लग जाए या क्या हो जाए मंडी में लोग जा सके ना जा सकें कुछ पता नहीं है तो उस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए लोगों के लिए कि भाई बासानी लोग आके अच्छे फार्म पे साफ सुथरे इन्वायरमेंट में जहाँ प्रॉपर भी हो रही हैं जानवरों की आराम से आए जानवर पसंद करें अपनी फैमिली के साथ आए इंजॉय करें वीकेंड स्पेंड करें तो उसी चीज़ को लोगों के शौक को जो है फैसिलिटेट करने के लिए मैंने ये काम शुरू किया चलें जी अल्लाह ताला आपकी नेक नियति में बरकत अता फरमाए मेरी तो दुआ है आपके साथ अच्छा अलीम भाई अब मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे जितनी भी पलाई सर्विस कर रहे हैं उसमें अपने थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब बताएं कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका रूटीन क्या है पलाई में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं वनडे वगैरह में फिर इन श्ला हम प्राइसिंग और बाकी वो जो हमारी स्कीम है उसकी तरफ भी आएंगे ठीक है अच्छा जी मजमिल भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है कि हम माशाला इस वक्त जो मॉडर्न फार्मिंग है उसके ऊपर हम काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अलहमदिल्ला अच्छा हमारे पास ये है कि जानवर इनिशली जब हमारे फार्म पर आता है अब अबलगत से अगर कोई बंदा हमारे पास लेकर आएगा तो हमारे पास क्वारंटीन पीरियड क्वारंटीन एरिया बना हुआ है उसके बाद हमारा दिन में यही रूटीन होता है कि जानवरों को दिन में थोड़ा सा धूप दिलवाने के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छा खुला मैदान है हम इनको बाहर बांध देते हैं बाकी शाम रात में जो है जब शाम का वंडा खा लेते हैं तो रात को भी जो है उनको बाहर बांध देते हैं ताकि खुले आसमान में आराम से रात का ठंडा मौसम भी वो इंजॉय कर सकें वंडे में जानवरों को जो है हम लोग फीड दे रहे हैं उसके अलावा हम लोग गंदुम दे रहे हैं और साइलेज दे रहे हैं ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे उसके अलावा घी और तेल का यूज़ वो ऑन एंड ऑफ उस हिसाब से दही दूध जो जो चीज़ें हमें देनी होती हैं वो हम दे रहे होते हैं तीन जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि अल्हमदल हमें रिजल्ट दे रहे हैं वो फीड है हाँ। उसके अलावा साइलेज है और गंदुम है

किलो के हिसाब से किस हिसाब से आपका अगर रेशो थी थोड़ा थी सा बताना चाहें अच्छा वंडा हम दिन में दो टाइम देते हैं एक सुबह हमारा नौ बजे दिया जाता है और फिर एक शाम को छः बजे दिया जाता है सुबह का जो वंडा होता है वो हम थोड़ा हल्का रखते हैं क्योंकि इधर थोड़ा सा साइंस लड़ानी होती है कि जानवर जो है किस तरीके से अपनी डाइजेशन कर रहा है हाँ। जानवर को ज्यादा खिलाना हमारा मोटिव नहीं है जानवर को उतना खिलाना है जो उसको लगे और हमें रिजल्ट मिले जितना तो वो इजीली हजम भी कर सके बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें हम सुबह जो है सिर्फ तीन आइटम देते हैं और वो होती है तकरीबन तीन से चार कर, तीन किलो की रास होती है बाकी शाम को जो होती है वो आठ किलो की रास होती है उसमें ऑब्वियसली हम सारी चीज़ें बढ़ा देते हैं और एक आध आइटम जो है अगर से फॉर इंस्टेंस हम सुबह तूड़ी नहीं दे रहे हैं तो शाम के वनडे में तूड़ी होगी सही है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने दिन को थोड़ा कम रखा हुआ है और शाम में जो है फुल फ्लैश रखी है क्योंकि पूरी रात होती है जानवर आराम से जो है अपना डाइजेस्ट हो है अच्छा फीड दोनों टाइम डलती है वो एक टाइम डलती है फीड दोनों टाइम डलती है दोनों टाइम डलती है अच्छा अब आपने जो तीन मेजर अपने कॉम्पोनेंट बताए हैं उसमें एक है फीड तो अब ये मैं थोड़ा सा क्लियर आउट कर दूं और आप भी थोड़ी सी डिटेल बता दी कि भाई जो फीड बनी बनाई होती है ना उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं बहुत सारे अज्जा होते हैं उसके अंदर कोई बंदा ये ना समझे अगर जिसको फार्मिंग की नॉलेज ना हो कि ये तो सिर्फ तीन चीज़ें खिला रहे हैं क्योंकि फीड जो होती है ना वो कंप्रेस की हुई होती है उसमें सारी चीज़ें जो है ना वो कंपायल हुई हुई होती हैं तो उसका थोड़ा सा बता

न्यूट्रेंट वगैरह इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं वो भी हम इंशाल्लाह सबको दिखा देंगे और साइलेज का तो आम पब्लिक को पता ही है कि उसका क्या अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा है बेरी तो चीज़ के के फ़ायदे ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं क्वान्टिटी पे भी नहीं जा रहे कि खल भी डाल दो तो फलाना भी डाल दो जो जो चीज़ हमें रिजल्ट दे रही है हम अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है ये बताएं कि वैक्सीनेशन और जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो उसके लिए डेडिकेटेड डॉक्टर है या आप खुद भी कर लेते हैं या बंदे करते हैं क्या हिसाब किताब है जी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये है कि मैं खुद भी अलहदुल्ला कर लेता हूँ बाकी मेरा जो अपना स्टाफ है वो भी कर लेता है और मेरे एक डेजिग्नेटेड डॉक्टर भी हैं डॉक्टर खाकी होते हैं इस इलाके में वो माशा मेरे पास फ्रिक्वेंट जो है विजिट्स करते रहते हैं तो अलहमदुल्ला मेरा वैक्सीनेशन का प्रॉपर सिस्टम है क्योंकि मैं आई स्ट्रॉली बिलीव कि ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जानवर जैसे ही हमारे फार्म पर आता है पहले सारी की सारी उसकी वैक्सीनेशन होती हैं स्टार्टिंग फ्राम मूख और उसके बाद गल गोटू हो गया उसकी खाल का कीड़े का हो गया टीका डीवर्मिंग हो गई तो जितनी मेन वैक्सीनेशनज़ हैं वो अलहमदिल्ला हम पहले ही कर देते हैं अच्छा ये अब थोड़ा सा हम बछड़ों की तरफ आ जाते हैं इसका मुझे बताएं कि आपके पास किस रेंज के बछड़े हैं अभी कितना स्टॉक अवेलेबल है फॉर सेल का और क्या कहते हैं आपका अगर रोलिंग होती है आते रहते हैं तो क्या हिसाब किताब रहता है किस रेंज के आते रहते हैं आपके पास अच्छा जी मुजम्मल भाई मेरे पास जो है स्टार्टिंग प्राइस एक लाख बीस है और मैक्सिमम जो मेरे पास होते हैं वो ढाई लाख तक के बछड़े होते हैं सही है। और मेरे पास इस वक्त जो फॉर सेल खड़े हैं वो छः जानवर खड़े हैं हाँ। बाकी मेरे अलहमद कुछ ऑलरेडी पलाई पे जो कि मेरे कस्टमर्स ने मुझसे लिए हुए हैं और मज़ीद मेरे पास जो है दस दस पंद्रह बछड़े और आने हैं अच्छा अलीम भाई अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ के भाई पलाई सर्विस के पैसे क्या हैं और फर्स्ट मंथ अगर फ्री है तो उसकी कंडीशन क्या हैं ये बताइएगा जी अच्छा ये फर्स्ट ऑफ ऑल के ये जो ऑफ़र है महदूद मुद्दत तक है फ्रॉम द डेट ऑफ वीडियो पब्लिशिंग टिल वन मंथ सही है जिस दिन ये पब्लिश होगी उससे एक महीने तक ये ऑफर जो है ऑन रहेगी और इसमें फर्स्ट मंथ जो भी हमारे पास आएगा भले वो बछड़ा अपना बाहर से लेकर आए अपना जानवर लाए या हमारे से परचेज करे वो अब यूजर के अपने डिस्क्रिप्शन पे होगा उस पर जो है फर्स्ट मंथ हम बिल्कुल फ्री देंगे हंड्रेड फ्री देंगे सही है उसके बाद से जो चार्जेस होंगे वो थर्टीन थाउजेंड पर मंथ होंगे बहुत ही देखें मुनासिब चार्जेज हैं अगर ये फ्री नहीं भी देते थर्टीन तब भी वैसे मुनासिब चार्जेज हैं क्योंकि जो चीज़ें बता रहे हैं और जो ये रेशो बता रहे हैं अच्छा अब कुछ लोग जिनको इंफॉर्मेशन नहीं होती ना तो वो रेशो सुन के वो हैरान हो जाते हैं और वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं कहते हैं कि हम नहीं यकीन कर सकते कि जो है ना ये रेशो बन रहा होगा तो उनके लिए एक ही एडवाइस है कि आप आएं आके यहाँ पर विज़िट करें बछड़ों का रिज़ल्ट देखें उनकी सेहत देखें एंड देन आप आइडिया करें और फिर सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि आप पहले महीने अपना बछड़ा फ्री में पलवाएँ अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हो अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो किसी भी सर्विस से देन आप वापस भी लेके जा सकते हैं ऐसा ही है ना बिल्कुल 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 ऐसा ही फर्स्ट मंथ इसीलिए लोगों को दे रहे हैं ताकि लोग हमें ट्राई आउट कर सकें बिल्कुल अगर लोग राज़ी होंगे तो ऑब्वियसली वो कैरी ऑफ फॉरवर्ड करेंगे ख़ुद ब खुद करेंगे नहीं राजी होंगे तो वो ले जाएंगे लेकिन इनशाला उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आई बिल्कुल जाहिर ही बात है कि अगर एक फार्मर जो है वो अपना वन मंथ का पूरा एक्सपेंस एक बछड़े के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी भी वो अपना ऐसा नहीं करेंगे कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ना दें वो अपना टू आई बिलीव के देंगे और आपको सेटिसफाई करेंगे ठीक है तो आप चाहें तो इनसे भी बछड़ा खरीद सकते हैं एक और प्लस पॉइंट यहाँ पर है, ये है कि इन्होंने ये कंडीशन भी नहीं लगाई कि आप इन्हीं से बछड़ा ख़रीदें वरना कुछ लोग ये भी समझ सकते थे ये यानी कि डाउट कर सकते थे कि ये तो जो पलाई के पैसे हैं बछड़े के मुनाफे में हमसे निकाल लेंगे नहीं बछड़े पहले ही इनके पास जो है वो एक लाख बीस हज़ार से लेके ढाई लाख की प्राइस रेंज में जो कि मिडिल क्लास की रेंज है उसमें है बछड़े यानी मुनासिब रेट के अंदर हैं ठीक है लेकिन स्टिल अगर आप बाहर से कोई बछड़ा परचेज़ करके यहाँ पे देना चाहते हैं तो सेम चीज़ अप्लाई होती है फ़र्स्ट मंथ की आपको पलाई फ्री मिलेगी अब आप अपना ज़रा नंबर वर्बली बता दें कॉल के लिए व्हाट्सएप के लिए ठीक हो गया मेरे दो नंबर्स हैं दोनों ही व्हाट्सएप के ऊपर भी हैं और कॉलिंग पे भी हैं जीरो डबल थ्री टू सेवन डबल थ्री सेवन वन फाइव वन दूसरा नंबर है जीरो थ्री डबल टू टू एट वन सेवन नाइन जीरो एट दोनों व्हाट्सएप पर भी हैं और कॉल के लिए भी हैं अच्छा ये बताएँ कि अभी फ़िलहाल आपके पास कितनी स्लॉट्स अवेलेबल हैं इस वक्त हमारे पास टेन स्लॉट्स अवेलेबल हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सर्विस है टेन स्लॉट्स अवेलेबल हैं एंड देन अगेन फॉर वन मंथ ओनली फ्रॉम द डे दिस वीडियो विल बी सही है दो कंडीशन हैं सिर्फ दो कंडीशन हैं कि पहली चीज़ दस लॉट्स अवेलेबल हैं जितने भी शुरू के दस कस्टमर होंगे उनको ये अवेल आ, अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और दूसरी कंडीशन ये है कि पहले महीने तक के लिए जब ये वीडियो पब्लिश होगी ऐसा नहीं हो कि आप एक साल बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अलीम भाई को कॉल करके कह रहे हैं कि यार मुझे तो फ्री पलाई सर्विस मिल नहीं रही है तो वीडियो की आप डेट नोट कर लिएगा जब वीडियो देख रहे हैं उसके एक महीने बाद तक के लिए ये ऑफ़र जो है अप्लीकेबल रहेगी बाकी अब आपको इनका मैं फॉर सेल का भी कलेक्शन दिखाता हूँ और बाकी चीज़ें देखते हैं थैंक यू सो मच अलीम भाई बहुत खुशी हुई मुझे थैंक यू थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इफ्ती कैटल फॉर्म का फॉर सेल का कलेक्शन जो इस वक्त इनके पास मौजूद है वैसे हर महीने इनके पास कलेक्शन आता रहता है तो अस्सी हज़ार रुपए से लेके डेढ़ लाख ढाई लाख तक की रेंज के अंदर ये अपना इनका टारगेट होता है कि इस रेंज के ऊपर ये काम करें और फिलहाल जिस रेंज का माल इनके पास मौजूद है वो है एक लाख बीस हजार रुपए से लेके दो लाख पचास हजार रुपये यानि ढाई लाख रुपए तक का इनके पास इस वक्त माल मौजूद है जब उन्होंने वीडियो में ही बताया था सारे बछड़े जितने भी बछड़े आपको भी मैं दिखाऊंगा सारे के सारे बछड़े दो दांत हैं तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है कि कोई बछड़ा बकर दो दांत होगा या नहीं होगा तो सारे बछड़े ऑलरेडी रिसेंटली दो दो दांत हुए हुए हैं अब मैं आपको ब्रीड्स बताता हूँ तो सबसे पहला जो हमारे पास बछड़ा आ रहा है ये चोलिस्तानी ब्रीड में है माशाल्लाह और बहुत खूबसूरत बछड़ा है ब्राउन एंड वाइट कलर के अंदर बहुत अच्छा इसका प्रिंट है और झालर आप इसकी देखें माशाल्लाह से इसके अलावा इन्होंने हर बछड़े का नाम रखा हुआ जो ऐसा नाम रखा है जो वाकई अतन जो है ना बछड़ों पर सूट भी करता है तो ये जो बछड़ा है इसका नाम इन्होंने भोला रखा है और वाक ये बछड़ा भोला है यानी मैं एक नया बंदा मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने विजिट किया और मैंने इस बछड़े को निकलवा के टहलाया वग़ैरह और इवन के फोटोग्राफी करी इस बछड़े के साथ और इस बछड़े ने मुझे तंग नहीं किया बड़ा ईजिली जो है ना ये आराम से खड़ा हो गया तो माशाला से ये बछड़ा जो है इसका नाम इन्होंने भोला रखा है नेक्स्ट जो बछड़ा आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है मलंग और इसका नाम भी वाक़ जो है ना वो मलंग इसके ऊपर सूट करता है क्योंकि ये जो बछड़ा है ना ये आपके हाथ में नहीं आने वाला इतनी आसानी से इस बछड़े ने तो जो इनके बंदे हैं ना उनको भी वाक नचा दिया था ऐसा ज़बरदस्त जब इसको आप एक मरतबा ले कर भगाएंगे ना रॉकेट की तरह ये निकलता है कि फिर ये हाथ में नहीं आता तो इसका नाम भी जो है ना वो अलीम भाई ने ज़बरदस्त इसके ऊपर जो सूट करता है वो रखा मलंग नाम इसका रख दिया बिल्कुल मस्त मलंग जिसको आप बोले ना वो बछड़ा और ये बछड़ा भी चोलिसानी ब्रीड में है और वेट का भी मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन सारे बछड़े जो हैं वो छः सात मन प्लस लाइफ वेट में है ठीक है छः सात मन प्लस लाइफ वेट से कम कोई भी बछड़ा नहीं है ज़्यादा ही होंगे कम कोई भी नहीं है नेक्स्ट बछड़ा जो हमारा आ रहा है इसका नाम अलीम भाई ने गूफी रखा है गूफी बेसिकली जो है ना थोड़ा सा जो हम उर्दू में कहते हैं ना बाउला या बेवकूफ टाइप उसको कहते हैं लेकिन मुझे ये बछड़ा जो है ना पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि इस बछड़े को देख के मुझे मेरा इसी साल का जो बछड़ा था जिसका नाम मैंने भोला रखा था अगर आप लोगों को याद हो कुर्बानी का वो बछड़ा याद आ गया क्योंकि इसके जो सर के ऊपर आप एक हार्ट या डायमंड कह लें ये एक शेप देख रहे हैं ना ये सेम एज इट इज़ शेप जो है वो मेरे बछड़े के भी था भोले के और वो भी बड़ा माशाल्लाह से मासूम था ये बछड़ा भी माशाल्लाह से बहुत मासूम है और आप इजीली इसको जो है ना इसके साथ खेल सकते हैं टहला सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त बछड़ा है अगला बछड़ा जो हमारे सामने आ रहा है इसका नाम जो है अलीम भाई ने शेरा रखा है और ये नाम भी इसके ऊपर बिल्कुल सूट करता है इसको जब मैंने इस बछड़े को खुलवाया रस्सी छुड़वा दी मैंने इसको उसके बाद तो इसने जो है ना सबकी दौड़ें लगवा दी ये किसी के पकड़ में आ ही नहीं रहा था बड़ी मुश्किल से जाके जो है ना ये पकड़ में आया है तो इसकी जो रनिंग है ना और जो इसका यानी कि भागते हुए जो लुक है वो वाक़ता किसी शेर से कम नहीं है दिस इज़ वाई उन्होंने इसको जो है वो शेरा का नाम दिया नेक्स्ट जो बछड़ा आ रहा है हमारे सामने वो है डॉन और वाकता ये बछड़ा अगर आप इसको देखें ना इसके चेहरे से इसका जो रोब है जो ब्लैक इसको ब्लैक माम्बा भी आप कह सकते हैं लेकिन अलीम भाई ने ना इसको डॉन का नाम दिया फुल जो है ना वो भरम वगैरह जो इसके चेहरे को देखते ही अच्छा अब लास्ट बुल आ रहा है इसका नाम इन्होंने बादल रखा है इसका जो प्रिंट है उसके हिसाब से जो है ना अलीम भाई ने इसका नाम बादल रखा है ये बछड़ा भी माशाला से बड़ा खूबसूरत है बहुत अच्छा है और ये बछड़ा भी आपको इन मिनिमम प्राइस रेंज के अंदर ईजीली मिल जाएगा सारे बछड़े माशाल्लाह से वैक्सीनेटेड है अभी रिसेंटली इनकी मोह खुर की वैक्सीनेशन हुई है सारे यानी के से सेहतमंद बछड़े हैं मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को एडवाइस ये है कि आप लोग जाएं फ़िज़िकली एक एक बछड़े को देखें जो बछड़ा आपको पसंद आए वो आप परचेज़ करें अलीम भाई के दोनों नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे और ऑन स्क्रीन भी आप इनका व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं इनसे व्हाट्सएप पर या कॉल पर रबता करके आप इनसे मीटिंग स्कैजल करें और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो काइंडली लाइक एंड शेयर ज़रूर करें मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए ऐसी स्कीम्स के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें कैटल मार्केट कराची को थैंक यू सो मच असलकम